हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की छोड़ो मैं आपको ऐसे खतरनाक ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप इस अपने फ्रेंड या फिर अपने एनिमी को यहाँ पर सरप्राइज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इन वाले ट्रिक्स से यूज करके अपनी रैंक को भी काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, हमारे पहले वाला ट्रिक है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपने एनिमीज को काफी इजीली किल कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ बरमूडा वाले मैप में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे लैंडमाइन की जरूरत पड़ेगी। तो लैंडमाइन को लेने के बाद आपको किसी भी सीमेंटेड वाले हाउस पर आ जाना है, और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ किसी भी खिड़की पे जाके बैठ जाना है, और जैसे मैं खिड़की पे जाके बैठ जाओगे फिर आपको अपने हाथ में लैंडमाइन को ले लेना है। लैंडमाइन को हाथ में लेने के बाद फिर आपको यहाँ अपने लैंडमाइन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सेट करूंगा। और जैसे आप यहाँ लैंडमाइन को सेट कर लोगे फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ पर अभी मैंने यहाँ पे लैंडमाइन को लगाया था, मेरा लैंडमाइन यहाँ पे टोटली गायब हो चुका है। और इस ट्रिक का यूज करके आप भी अपने लैंडमाइन को यहाँ पे गायब कर सकते हो, और अपने एनिमी को यहाँ काफी इजीली किल कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको अपने एनिमी को यहाँ पे किल करना होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप खिड़की के ऊपर बैठ जाना। खिड़की के ऊपर बैठने के बाद आप अपने लूट को यहाँ पे ड्रॉप कर देना। लूट को ड्रॉप करने के बाद फिर आप अपने लैंडमाइन को यहाँ पे लगा लेना, ताकि आपके एनिमी यहाँ लूट को देखते हुए यहाँ पे आएगा, जैसे ही उसे यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि वाली जो ट्रिक है बस यहाँ उसी वाली विंडो पे काम करती है। आप इस वाली ट्रिक को किसी भी खिड़की पे जाके आराम से कर सकते हो, बस आपको अपने लैंडमाइन को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट करना होगा, नहीं तो आपके यहाँ लैंडमाइन हल्के सा दिखने लगेगा। तो जैसे कि आप देखते हो, अभी मेरे से यहाँ पे लैंडमाइन थोड़ा सा बाहर की तरफ लग गया था, जिसकी वजह से मेरा लैंडमाइन यहाँ थोड़ा सा बाहर की तरफ दिख रहा था। लेकिन अगर आप अच्छे से अपने लैंडमाइन को लगाओगे तो आपको लैंडमाइन यहाँ टोटली हाइड हो जाएगा। तो गाइस, आपको वाली ट्रिक कैसे लगी, अगर आपको वाली ट्रिक पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वाला ट्रिक है, ये एक तरह से हेडिंग प्लेस होने वाली है, और इस ट्रिक का यूज करके आप अपने रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने एनिमी को भी काफी इजीली क्लिक कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ बरमूडा मैप में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको पीक वाली लोकेशन पर चले जाना है। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे मैक्लेरन वाली कार की जरूरत पड़ेगी। तो इस वाली गाड़ी को लेने के बाद फिर आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे साइड में एक पिलर दिख रहा होगा, तो आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल पिलर के साइड में लगा देना है। पिलर के साइड में लगाने के बाद फिर आपको अपने गेट ऑफ वाले बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको अपने एंटर वाले बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको दोबारा से अपने गेट ऑफ वाले बटन पे प्रेस कर देना है। और जैसे आप ये कर लोगे फिर आप पिलर के अंदर चले जाओगे। बस आपको अपनी गाड़ी को ढंग से लगाना होगा, और जैसे आप लगा लोगे तो आप पिलर के अंदर काफी आसानी से चले जाओगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आने के बाद आपने टोटली हाइड हो जाओगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे बाहर से भी देखा होगा, ये वाला जो पिलर है बाहर से टोटली कवर्ड है, जिसकी वजह से आपने टोटली हाइड हो जाओगे। और गाइस, अगर आपको अपने एनिमी को यहाँ से किल करना होगा तो आप बस ग्रेनेड का यूज कर सकते हो। ग्रेनेड का यूज करके आप अपने एनिमी को काफी इजीली किल कर सकते हो। अगर आपने अपने एनिमी को यहाँ गन से मारने की कोशिश करी तो उसे यहाँ पे फेक डैमेज आएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ एलिमिनेट हो जाओगे। और ये वाली जो ट्रिक है ये आपके यहाँ सोलो रैंक पुश करने में काफी ज्यादा काम आएगी। तो सारे ट्रिक आप यहाँ आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हो, और अपनी रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ अंदर की तरफ आ गए तो आप यहाँ बाहर की तरफ नहीं जा पाओगे। तो बस आप अपनी जॉयस्टिक हल्का सा आगे की तरफ मूव करना, तो आप यहाँ आराम से बाहर की तरफ भी निकल लोगे। तो गाइस, आपको वाली ट्रिक यहाँ कैसे लगी, अगर आपको वाली ट्रिक यहाँ पसंद आई तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट वाला ट्रिक है ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपने एनिमी की लोकेशन काफी इजीली देख सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ग्लू वॉल की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लू वॉल को लेने के बाद आपको यहाँ किसी भी डबल डोर वाले हाउस में चले जाना है, और जैसे ही मैं डबल डोर वाले हाउस में चले जाओगे फिर आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ डबल डोर वाले हाउस में इस वाले कमरे के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले कमरे के अंदर आप ग्लू वॉल को बिल्कुल वैसे सेट करना होगा जैसे मैं यहाँ पे सेट करूंगा। और जैसे आपकी ग्लू वॉल यहाँ पे सेट हो जाएगी फिर आप यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाना। ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो ऊपर की तरफ आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ जाना होगा। और जैसे आप ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ जाओगे फिर आपको यहाँ पे काफी अमेजिंग सीन देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे ग्लू वॉल का यूज करके इस वाली वॉल को यहाँ पे ग्लिच कर दिया, और इस वाले ट्रिक का यूज करके आप यहाँ से अपने एनिमी की लोकेशन को काफी यहाँ पे देख सकते हो, और अपने फ्रेंड को यहाँ पे बता सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से अपने एनिमी पे फायर करने की कोशिश करोगे तो उसे यहाँ पे एक भी गोली नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक इनविजिबल वॉल है जिसके ऊपर सारी की सारी गोली आके रुक जाएंगी। तो बस आप यहाँ पर आके आराम से यहाँ पे एनिमी की लोकेशन को यहाँ पे देख सकते हो, और अपने फ्रेंड को यहाँ पे बता सकते हो। और गाइस, मान लो आपके पास यहाँ पे ग्लू वॉल नहीं है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे बैठा देना जहाँ पर मैंने ग्लू वॉल को लगाया है। और जैसे ही आपका फ्रेंड वहाँ पे बैठ जाएगा तो आप अपने फ्रेंड के ऊपर खड़े होकर यहाँ से लोकेशन को काफी इजीली यहाँ पे देख पाओगे। सो गाइस, आपके इलेक्ट्रिक यहाँ कैसे लगी, अगर आपको इलेक्ट्रिक भी यहाँ पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट की ओर।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट वाला ट्रिक है, ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड या फिर अपने एनिमी को ना ट्रेन मोड के अंदर सरप्राइज कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कोई भी एक स्कोप वाली गन की जरूरत पड़ेगी, तो स्कोप वाली गन को लेने के बाद आपको इस वाली लेक के पास आ जाना है। और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस अब आपको मेरे को बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्कोप को खोल लेना है। स्कोप को खोलने के बाद फिर आपको अपने दोबारा से अपने स्कोप वाले बटन पे प्रेस करना और जल्दी से आपको यहाँ बैठने वाले बटन पे प्रेस कर देना है। और जैसे आप ये करोगे तो आपका करेक्टर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे गन को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ अपने जॉयस्टिक का यूज करके पानी के अंदर चले जाना है। पानी के अंदर जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ देखते हो, जो मेरे करेक्टर के हाथ में यहाँ पे गन थी वो यहाँ गायब हो चुकी है। और मेरे करेक्टर के हाथ भी आपको यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहे होंगे हवा में। और जैसे आपके फ्रेंड या फिर आपका एनिमी इस वाले ट्रिक को यहाँ पे देखेगा, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपका करेक्टर हाथों को ऊपर करके कैसे खड़ा हुआ है। और गाइस अगर आप अपने सर्वबोर्ड को यहाँ पे खोल लोगे फिर आपको यहाँ पे एक और सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखते हो, मेरा जो करेक्टर है यहाँ गन को पकड़े कुछ इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टैचू हो। और जैसे आपका फ्रेंड या फिर एनिमी इस वाले ट्रिक को यहाँ पे देखेंगे, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका करेक्टर यहाँ पे कैसे खड़ा हुआ है। और गाइस इस वाले ट्रिक को आप किसी भी गन के साथ आराम से कर सकते हैं, बस आपकी गन में यहाँ पे स्कोप होना चाहिए। और जैसे आपकी गन में यहाँ पे स्कोप होगा तो आप इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना, तो आपकी वाले ट्रिक भी यहाँ काफी सही से यहाँ पे काम कर जाएगी। सो गाइस यहाँ पर मैं एक बार और आपको यहाँ पे स्टेप्स बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कोप को खोल लेना है। स्कोप को खोलने के बाद फिर आपको अपने दोबारा से यहाँ स्कोप वाले बटन पे प्रेस करके यहाँ जल्दी से अपने बैठने वाले बटन पे प्रेस करना है। और जैसे आप ये कर लोगे तो आपका करेक्टर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे गन को पकड़ के यहाँ पे बैठ जाएगा। और जैसे आप ये कर लोगे फिर आपको पानी के अंदर चले जाना है। पानी के अंदर जाने के बाद फिर आपके करेक्टर के यहाँ पे हाथ में गन गायब हो जाएगी। और फिर जैसे आप अपने सर्वबोर्ड को यहाँ पे खोलोगे तो आपके करेक्टर के हाथ में यहाँ पे गन वापस से आ जाएगी और आपकी वाले ट्रिक काफी सारे से यहाँ पे काम कर जाएगी। सो गाइस जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको स्टूडियो में बताया, सारी ट्रिक्स आपका कैसी लगी। अगर आपको सारी ट्रिक्स यहाँ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।